पर आपको वहां से उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ भी जाइए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों को इससे फायदा भी हो सके, और साथ साथ में आपको जो भी लेटेस्ट और जो नई से नई जो इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सबसे पहले यहीं पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और बिना किसी लाग लपेट के। लाग लपेट का मतलब यह है कि हम मतलब उसमें मसाला ज्यादा नहीं डालते। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं हवा हवाई बातें करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया का एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिसपे हम मतलब मन से कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए, मतलब उनको मिसगाइड करके उनको परेशान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़कर, ठीक है, आप सही और सटीक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री है हमारा और कोड है हमारा 315। तो ज्यादा तादाद में जुड़े, ज्यादा बच्चे इससे ताकि लाभ ले सके, ठीक है? तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र में क्या अंतर है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्रोत सूत्र एंड द ग्रह सूत्र। तो देखिए दो सूत्र हैं, दो प्रकार के सूत्र हैं जिनके बीच में अंतर स्पष्ट करने की बात की गई है, जिनके बारे में कहा गया है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। एक स्रोत्र सूत्र है और एक है आपका ग्रह सूत्र। तो देखिए दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए जिस साहित्य में राजाओं के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ बलि इत्यादि के विधान का विवरण होता है, उसे हम सोत सूत्र कहते हैं। यानी कि जो सोत सूत्र है वो पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, वो राजाओं से रिलेटेड है। उनका जो रिलेशन है वो किससे है, उनका जो रिलेशन है वो राजाओं से है। तो सोत सूत्र में राजाओं के द्वारा जो यज्ञ कराए जाते थे, ठीक है, उस साहित्य के बारे में हमको पता चलता है। यहां पर राजाओं के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ बलि इत्यादि के जो तरीके होते थे, जो विधान होते थे, उनका जो विवरण है वो सोत्र सूत्र में मिलता है। जबकि आप देखेंगे कि जन्म, नामकरण, ठीक है, इसके अलावा यज्ञोवीत, इसके अलावा आपका विवाह, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्या होती है, जब जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो अंतिम दाह किया जाता है, उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि। तो इससे रिलेटेड जो भी संस्कार होते हैं, जो भी घरेलू अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, जो भी घरेलू अनुष्ठान होते हैं, उनसे रिलेटेड जो विधान होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी साहित्य होगा, उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रह सूत्र कहा जाता है। तो देखिए जहां पर सोत्र सूत्र का रिलेशन किसके साथ में, राजाओं के साथ में है, वहीं पर जो ग्रह सूत्र है, ग्रह सूत्र का जो सीधा सीधा संबंध है वो किसके साथ में, वो जो हमारे विवाह है, जो हमारे बच्चे का जन्म होता है, उसका नामकरण होता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अंत्येष्टि, यानी जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो कोई कॉमन पीपल, जो एक आम व्यक्ति जो यज्ञ या जो भी पूजा अर्चना करता है, उससे संबंधित जो विधान है वो जिसके अंदर लिखे गए, उसको ग्रह सूत्र कहा गया है। जबकि जो आपका सोत्र सूत्र है, उसका सीधा रिलेशन राजा के साथ में। द लिटरेचर इज विच इन विच देयर इज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ बिग सेक्रीफाइस, ठीक है, इटीसी बाय द किंग्स इज कॉल्ड द सोत्र सूत्र। यानी पे यानी यहाँ इसका सीधा रिलेशन किसके साथ में, राजा के साथ में, ठीक है। एंड वाइल द लिटरेचर रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डोमेस्टिक रिचुअल्स रिलेटेड टू द, ठीक है, राइट्स ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी कि बर्थ के समय में जो एक कॉमन व्यक्ति नेमिंग, यानी जो नामकरण होता है, जब बच्चे का नाम रखा जाता है, ठीक है, या सैक्रिफाइस फायर। सैक्रिफाइस फायर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसमें आग में उसको मतलब उसके शरीर को जलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस फायर, ठीक है। मैरिज यानी कि विवाह, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रह सूत्र, उसको कहा जाता है। दिस लिटरेचर वॉज कंप्लीट बिटवीन द 600 to 300 BC। देखिए BC की बात हो रही है, इसीलिए काउंटिंग माइनस में जा रही है। यहां पर भी आप देख ले, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। एक बार यहाँ पर समझ लेना इसको, ये जीरो है यहाँ हमारा, यहाँ वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, और यहाँ पर भी हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि यहाँ पर ईसा का जन्म होता है, तो यहाँ ईसा के बाद का जो समय आया उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया ईसवी, उसको ईसवी कहा गया। और यहाँ इसकी खास बात यह है कि यहाँ जो भी काउंटिंग होती है यहाँ प्लस में होंगी, यानी कि पहले 1 होगा, देन उसके बाद में 2 होगा, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है,
तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे ईसा पूर्व, ठीक है, उसको ईसा पूर्व कहेंगे, ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से भी पहले उसको कहेंगे। और इसकी खास बात यह है कि यहां पर काउंटिंग किस में, माइनस में होंगी। तो यहां पर देखिए 600 से 300 की बात कर रहे हैं, अगर ईसवी की बात करते हैं, क्योंकि ईसा पूर्व आ गया इसीलिए काउंटिंग किस में, माइनस में। अगर यहां पर ईसवी आता तो फिर क्या आता, 300 से 600 आता। लेकिन यहां पर बात तो किसकी हो रही है, बात तो बीसी की हो रही है ना, एडी की नहीं हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो ये आपको थोड़ा समझना है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हिस्ट्री के अंदर कि बीसी क्या है और एडी क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो देखिए बीसी है, बीसी है ईसा पूर्व, और जो एडी है वो है ईसवी, ठीक है। और यहां पर जहां पर ईसा पूर्व होगा वहां पर काउंटिंग माइनस में होंगी, जहां पर खाली ईसवी होगा वहां पर प्लस में आगे की तरफ जाएंगी काउंटिंग, ये आपको समझना है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 300 से 600 ईसा पूर्व के मध्य इस तरीके के जो साहित्य थे, चाहे वो आपका सोत्र सूत्र हो, चाहे वो आपका ग्रह सूत्र हो, ठीक है, इनकी जो रचना हुई वो इस समय में हुई, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास के स्रोत से आप क्या समझते हैं। देखिए भाई, इतिहास में कोई भी घटना घटी, अब कोई राजा था, अकबर था या बाबर था या जो भी था, या आर्य थे या हमारे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो भी हमारा इतिहास है, या बहुत सारे और अन्य शासक थे, गुप्त काल, मौर्य काल, संगम काल, बहुत सारे राजा थे। अब वो तो भैया जा चुके ना इतिहास में, वो और उनका इतिहास क्या हो गया, वो जा चुका, दफन हो चुका है। अब वो खुद तो आकर हमें बताएंगे नहीं इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कुछ स्रोतों के द्वारा मिलती है, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब वो सिक्के भी हो सकते हैं, वो कोई मटके भी हो सकते हैं, वो कोई पुराने आभूषण भी हो सकते हैं, वो किसी की हड्डियां भी हो सकती हैं, वो कोई अभिलेख भी हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के स्रोत इनको कहा जाता है। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास कहते किसको है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो देखिए साधारणता, ठीक है, यानी जनरली इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है। इतिहास क्या है, इतिहास वो अतीत में बीती हुई घटनाएं हैं, ठीक है, जो कहां पर हुई है, जो पीछे बीते हुए समय में हुई है, भूतकाल में हुई है। अतः मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों का चुनकर अतीत के निर्माण को ही इतिहास कहते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे समय में बीत चुकी हैं, जब हम उनको एक जगह पर लाकर उनको एक सीक्वेंस में लगाते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस में लगाकर अतीत का जब हम निर्माण करते हैं तो उसको हम इतिहास कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न रूपों से प्राप्त होते हैं जिन्हें इतिहास का स्रोत कहा जाता है। जनरली हिस्ट्री इज द अकाउंट ऑफ दोज इवेंट्स विच हैपेंड इन द पास्ट, जो बीते हुए समय में घटनाएं घटी हैं। सो बेसिकली द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पास्ट बाय द चूजिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज कॉल्ड द हिस्ट्री। देखिए इतिहास में तो बहुत सारी घटनाएं घटी होती हैं, लेकिन बात क्या हुई है, बात यहां पर देखिए क्या कही जा रही है, चूजिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन उन घटनाओं में भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो बतानी चाहिए, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को पता होनी चाहिए, इस तरीके की कुछ चुनी हुई महत्वपूर्ण अतीत में बीती हुई घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट फॉर्म, लेकिन ये जो इतिहास है ना, ये जो फैक्ट है, इसके लिए बहुत सारे इस इतिहास को जानने के फॉर्म्स होते हैं, सोर्स होते हैं, ठीक है, विच आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और उसको ही हम इतिहास के स्रोत या सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। आपको ये पता होगा, अभी मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या है, हमने कोई जमीन के अंदर खुदाई की और खुदाई के अंदर कोई सिक्का मिल गया, कोई मनका मिल गया, कोई मोहर मिल गई, कोई आभूषण मिल गया, कोई अभिलेख मिल गया, कोई हड्डी मिल गई, किसी भवन का कोई अवशेष मिल गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें किसके बारे में बता रही हैं, हमें इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रही हैं, इसीलिए है ना, दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री वो है जो अतीत में बीती हुई घटनाएं हैं, और उन चुनिंदा घटनाओं को जब क्या करते हैं हम, उनका पुनर्निर्माण करते हैं, तो उसका हम इतिहास कहते हैं। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्तों के साथ में हमारे लाइव सेशन को शेयर भी कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे फायदा मिले।
ये जो लाइव सेशन की हमारी क्लास है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जुड़ जाइए। और बहुत सारे बच्चे फायदा ले रहे हैं तो आपको भी वहां से जाकर फायदा लेना चाहिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव सेशन के साथ में वो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी मतलब कोई आपका कॉस्ट इसमें नहीं लगने वाला, कोई आपका इसमें खर्चा नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन भारतीय अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में पाए गए। देखिए अभिलेख क्या थे, अभिलेख ये थे कि प्राचीन समय में जो राजा होते थे ना तो वो क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर या किसी धातु के ऊपर, उस समय ऐसे पेन तो होते नहीं थे और ना पेपर होते थे, तो पेन और पेपर के ऊपर नहीं लिखा जाता था। एक्चुअल में क्या होता था कि राजा जो होते थे वो किसी धातु, धातु का मतलब समझिए जैसे तांबा हुआ, चाहे लोहा हुआ, चाहे पीतल हुआ, इस तरीके की धातुएं या फिर पत्थर, इनके ऊपर क्या करते थे, किसी नुकीली चीज से जो है उनके ऊपर लिख दिया जाता था, कोई मैसेज लिख दिया जाता था, उसको क्या कहते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अभिलेख किसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस इसको कहा जाता है। तो यहां पर देखिए प्राचीन भारतीय अभिलेख किन किन भाषाओं में, वो पूछ रहे हैं कि अभिलेख तो लिखे गए, तो देखिए अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, कभी प्राकृत में लिखे गए, तो कभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, कभी संस्कृत में लिखे गए, कभी अपभ्रंश में लिखे गए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग राजाओं ने अभिलेख लिखवाए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहां पर है। इसका आंसर हम देखते हैं, प्राचीन भारत से संबंधित अभिलेख जहां अलग अलग कालों से संबंधित है। भाई एक ही समय में तो सारे अभिलेख लिखाए नहीं गए होंगे, एक राजा आया उसने कुछ अभिलेख लिखवाए, देन उसके बाद में कोई और राजा बना तो उसने कुछ अभिलेख लिखवाए, उसके बाद कोई तीसरा राजा आया होगा तो उसने अपने अभिलेख बनवाए। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भी अभिलेख बने वो एक समय में नहीं बने, वो अलग अलग कालों में अलग अलग टाइम पीरियड में उनको बनाया गया, और वही वह अलग अलग भाषाओं और लिपियों में भी पाए गए। ये उनका काल भी अलग अलग, ठीक है, उनकी भाषाएं और लिपियां भी क्या है, अलग अलग है। लिपि को हम क्या बोलते हैं, लिपि, लिपि क्या होती है हमारी, जब किसी भाषा को हम लिखित फॉर्म में, जब हम रिटन फॉर्म में किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट चाहिए होती है ना, तो उस स्क्रिप्ट को ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी अलग स्क्रिप्ट हो सकती है, जैसे आपको पता होगा हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट क्या है, उसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। अगर इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, वो है आपकी रोमन। जैसे पंजाबी भाषा है तो पंजाबी भाषा की क्या है, हमारी गुरुमुखी। तो अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। यहां पर देखिए आरंभिक अभिलेख यानी कि जो शुरुआत वाले अभिलेख थे जो तीसरी शताब्दी के हैं वो प्राकृत भाषा में। देखिए उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी, प्राकृत भाषा बोली जाती थी, और प्राकृत भाषा में ही उस समय के अभिलेख भी पाए गए। ईसा की दूसरी शताब्दी से संस्कृत के अभिलेख मिलने लगे, लेकिन जैसे ही आप देखोगे आप ईसवी में आ गए, और ईसवी में आने के बाद में दूसरी शताब्दी के बाद में जो अभिलेख फिर लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग भाषाओं में अभिलेख लिखे गए। अभिलेख किसको कहते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। दूसरी बात ये है कि अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग समय पर अभिलेख लिखे गए, जैसे कि तीसरी शताब्दी के अभिलेख तो प्राकृत भाषा में पाए गए और दूसरी शताब्दी के अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले, और चौथी और पांचवी शताब्दी में आप देखोगे कि संस्कृत भाषा में लिखे गए अभिलेखों की संख्या बढ़ गई। और वहीं आप अगर थोड़ा और आगे आओगे तो नवी दसवीं शताब्दी में जब आप आगे आओगे तो कुछ लोकल जो लैंग्वेज थी, कुछ जो एक क्षेत्रों में बोली जाने वाली, कुछ एक प्रांतों में या प्रदेशों में बोली जाने वाली जो भाषाएं थी उनका इस्तेमाल भी अभिलेखों में होने लगा। आरंभिक अभिलेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, जो सबसे शुरुआत में जो अभिलेख लिखे गए वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे, जो अशोक के अभिलेखों में पाए जाते हैं, जो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयोग किए गए। देखिए भारत में अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के हैं तो आप बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के आप सम्राट अशोक का नाम ले देना। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए जो अभिलेख थे वो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख थे, ठीक है। और कौन सी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उनके कुछ शिलालेख, शिला किसको बोलते हैं, शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर पर लिखे हुए लेख खरोष्ठी और यूनानी लिपियों में भी पाए गए। तो देखिए तीन
तीन जो लिपियां है ना उसका इस्तेमाल तो अशोक ने भी किया है अपने अभिलेखों में, नंबर वन ब्राह्मी, नंबर दो खरोष्ठी और नंबर तीन यूनानी। इन तीन भाषाओं, इन तीन लिपियों के अंदर अशोक ने भी अपने अभिलेख लिखवाए। और गुप्त काल में भी, जो गुप्त काल आया जिसके अंदर आपके चंद्रगुप्त हुआ करते थे, मौर्य की बात नहीं कर रहा मैं खाली चंद्रगुप्त की बात कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त अलग थे, चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, तो दोनों में डिफरेंस है। कभी आप सोचो सर जी गलत बता रहे, तो देखिये मैं कह रहा हूँ कि चंद्रगुप्त उसका बेटा, फिर समुद्रगुप्त उसका बेटा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहा जाता है विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये गुप्त वंश में भी आपको देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हो रहा था, तो ना केवल अशोक के समय में, क्योंकि अशोक का वंश कौन सा था, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में भी और गुप्त वंश में भी दोनों में ही ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं खरोष्ठी और यूनानी का प्रयोग भी अशोक के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे वेयर द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द एंशियंट इंडिया आर रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइम। देखिए जो भी रिकॉर्ड हमें मिलता है अलग अलग समय में मिलता है, ठीक है, दे आर फाउंड इन द डिफरेंट लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग है और उनकी स्क्रिप्ट भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। द अर्लिएस्ट इनस्क्रिप्शंस विच डेट बैक टू द थर्ड सेंचुरी, सबसे पहले वाले जो मिलते हैं, यानी अर्लिएस्ट सबसे पहले वाले जो मिलते हैं वो थर्ड सेंचुरी में मिलते हैं। और कौन सी लैंग्वेज में मिले, प्राकृत लैंग्वेज में मिले। इसके बाद में संस्कृत वाले आए, ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे संस्कृत के बाद में और भी बहुत सारी मैनी रीजनल लैंग्वेज, जो बहुत सारी लोकल और रीजनल लैंग्वेज थी उसके अंदर भी इनको लिखा गया। यहाँ अशोक के बारे में देखा है, बता रहे हैं द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शंस इज ब्राह्मी, ब्राह्मी में लिखे गए, विच इज यूज्ड इन द एडिक्ट्स ऑफ द अशोका, ठीक है, ये अशोका के द्वारा बनवाए गए थे। सम ऑफ हिज, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो इन द खरोष्ठी एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट, और कुछ उन्होंने जो बनवाए थे वो खरोष्ठी और ग्रीक में भी बनवाए थे, ठीक है। गुप्त वंश के समय में भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था, तो ये आपको बताया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नव पाषाण युग एवं ताम्र पाषाण युग की परिभाषा में अंतर बताइए। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो आप, पहले मनुष्य को भैया धातुओं का तो कोई ज्ञान था नहीं, धातु यानी कि कोई भी मेटल, उसका कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। आज तो आप देखिए आप अपने आसपास में कितनी ऐसी चीजें जो आप धातु की यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप आभूषण देख लो ना, आप सोना है, चांदी है, इसके अलावा बर्तन है, बर्तन भी किसके होते हैं, तांबे के, पीतल के, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है लोहे की बनी होती है, ये सब क्या है, ये सब धातुएं हैं। लेकिन पहले जब मनुष्य शुरुआत में इस धरती पर आया तो उसको आते ही तो धातुएं नहीं मिल गई होंगी और ना उसको धातुओं का पता होगा, तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आया, पत्थरों के कांटेक्ट में आया, तो पत्थर से ही उसने क्या करना शुरू करा, पत्थर से उसने अपने औजार बनाए, पत्थरों को घिस घिस कर उनको नुकीला बना लिया, उनसे वो जानवरों का शिकार करता था, पत्थरों का यूज मेनली वो किया करता था, ठीक है। और इसीलिए उस काल को क्या कहा गया, उस काल को कहा गया पत्थरों का काल, यानी पाषाण काल, क्या कहा गया उसको, पाषाण, पाषाण का मतलब भी क्या होता है, पत्थर। तो पाषाण काल को भी कई भागों में बांटा गया है और उसी में से एक काल है नव पाषाण काल, इसको भी तीन, दो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे सबसे पहले वाला तो पूरा पाषाण काल, देन उसके बाद वाला मध्य पाषाण काल, और उसके बाद वाला जो है वो है नव पाषाण काल। अच्छा उसके आगे देखते हैं हम, ताम्र पाषाण की बात करें तो ताम्र का मतलब क्या होता है, ताम्र का मतलब होता है तांबा, जिसमें मनुष्य तांबे के कांटेक्ट में आया और उसने तांबे का यूज करना क्या कर दिया, तांबे का यूज करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए अभी वो किसके कांटेक्ट में नहीं था, अभी वो किसी भी मेटल के कांटेक्ट में नहीं था, किसी धातु के कांटेक्ट में नहीं था, इसीलिए उसने पत्थरों का यूज किया। उसके बाद में आप देखोगे कि वो किसके कॉन्टेक्ट में आ गया, धातु के कॉन्टेक्ट में आ गया। और सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन आता है बड़े से बड़े जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मनुष्य ने इस धरती पर सबसे पहले किस धातु का, किस मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो आप बताएंगे तांबे का प्रयोग करना शुरू किया था, कॉपर, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा सबसे पहले प्रयोग जो है वो मनुष्य ने इसी धातु का किया था। तो यहां पर अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए नव पाषाण युग से हमारा मतलब क्या है, उस युग से है जब मनुष्य ने पत्थरों के विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करना शुरू करा, जैसे मैंने आपको बताया भी है किसका इस्तेमाल कर रहा था वो, पत्थरों का, क्या बनाने के लिए, अपने औजार वगैरह, अपने हथियार वगैरह बनाने के लिए। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में नव पाषाण काल 4000
ईसा पूर्व से लेकर और 2000 ईस्वी तक रहा, यानी यहां से इस काल से देखिए आप 4000 ईसा पूर्व से और 2000 ईस्वी तक का जो इतना बहुत लंबा चौड़ा जो हजारों वर्षों का जो इतिहास है उसको ही क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल। और नवपाषाण क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसमें मनुष्य पत्थरों का यूज कर रहा था, ठीक है। नवपाषाण युग में मानव जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो अभी तक मनुष्य को कृषि करना नहीं आता था, लेकिन मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि करना भी सीख लिया। उसे ये नहीं पता था आग नाम की क्या चीज होती है, दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी पैदा हो गई, ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे कि आग भी सामने आई, आग का आविष्कार हुआ। इसके अलावा पहिए का आविष्कार हुआ। अब आप कहोगे पहिए का यूज किस लिए होता था, तो पहिए का यूज होता था बैलगाड़ी में। इसके अलावा पहिए से ही क्या बनाई उन्होंने, चक्की बनाई, जिससे वो अपना आटा वगैरह पीसते थे। तो यहां पर आप देखेंगे पहिए के आविष्कार ने मनुष्य को सभ्यता के दहलीज पर पहुंचा दिया और वह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गया। नवपाषाण युग का जब अंत हुआ, उसके अंत में मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उस युग को क्या कहा गया जिसमें वो तांबे का प्रयोग कर रहा है, उसको कह रहे हैं ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग उसको कह रहे हैं, ठीक है, उसको ताम्रपाषाण युग उसको कहा गया, ठीक है। इसका काल देखो, क्यों इसका काल बताया जाता है 2400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के लोगों के जीवन नवपाषाण युग के लोगों के जीवन की अपेक्षा अधिक विकसित हो गया, यानी अभी जब वो पत्थरों का यूज करता था वो पिछड़ा हुआ जीवन जी रहा था, जब उसने तांबे का यूज करना शुरू किया तो उसने एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। इन लोगों ने अब अपने पर्वतों के निकट नदियों के किनारे पर मकान बनाकर अपनी क्या स्थापित कर ली, अपनी जो बस्तियां थी उनको उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड वही है जिसको हम क्या कहते हैं, नवपाषाण काल कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको चालकोलिथिक पीरियड आया, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वो तांबे का प्रयोग कर रहा था। तो दोनों चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे हम अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेना एक बार इसको प्यार से, समझ लेना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, वहां पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको लिख दीजिए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। आप हमारा जो ऐप है पाई स्टडी सर्कल ऐप, ठीक है, वहां जाकर अपने मोबाइल के अंदर उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर वगैरह हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो वहां पर सब उपलब्ध है। वहां जो हमारे कोर्स हैं, ठीक है, फिजिक्स का है, इंग्लिश का है, सोशल साइंस का है, उसको आप वहां जाकर देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि इसको आप अपने डेमो भी समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपकी एक लाइव सेशन है, लेकिन आपके लिए डेमो भी अगर आप देखना चाहें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको डेमो भी मान सकते हैं आप। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत विभिन्नताओं में एकता दर्शाता है, विवेचना कीजिए, इंडिया शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्कस। देखिए भारत इसमें कौन सा ऐसा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, भारत में कितने सारे धर्म हैं, कितनी सारी जातियां हैं, कितने सारे मतलब अलग अलग कल्चर के, कितनी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है इसमें। लेकिन बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा क्या होता है, जब पेपर में जाते हैं ना थोड़ा, तो साइकोलॉजिकली आप देखोगे कि थोड़ा सा मेंटली उन पर प्रेशर सा होता है, वो सभी के साथ होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखना है, बिल्कुल बनाकर रखना है, ठीक है। बाकी हम पूरी हमारी जो टीम है उसकी जो बेस्ट विशेज हैं वो तो आपके साथ में है ही, ठीक है, और बाकी आपके लिए काम कर भी रहे। तो देखिए भारत विभिन्नताओं में एकता दर्शाता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन, देखिए भारत विविधताओं का एक महान देश है, ठीक है। और ये कोई ये नहीं है कि एक धर्म के लोग अभी अभी आ गए, हजारों सालों से ऐसे ही बहुत सारे धर्म के, जाति, भाषा, मजहब के लोग एक साथ रह रहे हैं। यहाँ भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बाद में भी क्या है, एकता भी विद्यमान है। यद्यपि का मतलब हालांकि, यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग निवास करते हैं,
इनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सभी एक दूसरे से क्या है, अलग है। आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर के लोगों का जो पहनावा है, उनका जो खान पान है, वो बिल्कुल अलग है, जबकि तमिलनाडु जो बिल्कुल साउथ में है, वहां के लोगों का कल्चर और पहनावा और खान पान बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तथापि उनमें मनोवृत्तियां और भावनाओं की एकता पाई जाती है, चाहे वो खाते कुछ भी हो, चाहे वो पहनते कुछ भी हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली आप देखोगे, इमोशनली आप देखोगे कि उनके अंदर एक यूनिटी का भाव पाया जाता है, ठीक है। अतः यह प्राचीन और वर्तमान दोनों भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। ये प्राचीन भारत की भी विशेषता है और ये वर्तमान भारत की भी विशेषता है, ठीक है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, हियर देयर एग्जिस्ट अनब्रोकन फंडामेंटल यूनिटी। अनब्रोकन का मतलब जिसको मतलब कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की, वो भी सफल नहीं हो पाए, ठीक है। अनब्रोकन फंडामेंटल यूनिटी अलोंग विद डाइवर्सिटी इन ऑल द फील्ड ऑफ ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कास्ट एंड द कम्युनिटीज, ठीक है, रिसाइड हियर. Their way of life, food and dress are all different from other, ठीक है, from other. However, there is a unity of attitudes and feelings in them. So it is the biggest feature of the both ancient and the present India. ठीक है, तो दोनों की खास बातें यही है. अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, पुरापाषाण युग के दौरान उपयोग किए जाने वाले औजारों की विशेषता बतानी है. देखिए कौन से काल की बात कर रहे हैं, जब मनुष्य धातुओं के बारे में जानता ही नहीं था, जो मैंने अभी आपको बताया. जब मनुष्य केवल किसके बारे में जानता था, केवल पत्थरों का उसको ज्ञान था, केवल वो पत्थरों का इस्तेमाल करता था अपने औजार बनाने के लिए. तो वो कह रहे हैं जब वो पत्थरों के औजार बनाता था तो वो औजार किस तरीके के होते थे. गिव द मेन फीचर्स एंड यूजेस ऑफ टूल्स टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, ठीक है. तो किस तरीके से वो पुरापाषाण काल के अंदर बनाए गए औजार यूज किया करता था, उनकी विशेषता. देखिए पुरापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द, ठीक है, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है. इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पुरापाषाण कहते हैं. लेकिन बेसिकली क्या है ये वो काल है जिसमें मनुष्य पत्थर का यूज कर रहा है. यह शब्द ग्रीक शब्द है, ठीक है, पोलियो से लिया गया है. पोलियो से ही क्या बना है, पैलियोलिथिक शब्द बना है. कौन सी भाषा का शब्द था, ग्रीक भाषा का. और पोलियो का क्या अर्थ होता है, पोलियो का अर्थ होता है पुराना. दूसरा शब्द देखिए, पोलियो का अर्थ होता है पुराना, और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर से लिया गया, इसका मतलब है पत्थर. यानी कि पोलियो का मतलब पुराना हो गया बेटा, और लिथिक का मतलब हो गया पत्थर, यानी पुराना पत्थर. दोनों को जोड़ेंगे आप तो पुराना पत्थर इसका मतलब निकल कर आएगा. इतिहासविदों ने, जो इतिहास को जानने वाले जो हिस्टोरियन है, ठीक है, इतिहासविदों ने इस युग को तीन चरणों में बांटा है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पुरापाषाण युग के जो औजारों की विशेषताएं हैं वो इस युग की उल्लेखनीय विशेषता है, ठीक है. ये है कि मनुष्य अपनी रक्षा के लिए पत्थरों के औजार बनाने की कला विकसित उसने कर ली थी, ठीक है. मनुष्य ने पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाए, ठीक है, उसको ये कला में वो महारत उसको हासिल हो गई, उसने वो कला विकसित कर ली जिसके द्वारा अब वो अपनी रक्षा के लिए. पहले वो सबसे पहले देखिए जो औजार बनाता था ना, वो किस लिए बनाता था कि जो जंगली जानवर है, कोई हमारे और आपके जैसे तो उनके घर होते नहीं थे, वो जंगलों में रहते थे. जंगलों में उनको किन का डर रहता था, जंगली जानवरों का डर रहता था उनको, ठीक है. तो वहां पर क्या होता था, अपनी रक्षा के लिए वो सबसे पहले उसने औजार बनाए, और वो औजार किसके बनाए, पत्थर के औजार बनाए, ठीक है. इस युग के प्रमुख जो औजार बनाए गए वो हाथ की कुल्हाड़ी थी, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट उनका ये औजार था. इसके अलावा उन्होंने और भी कई औजार बनाए, जैसे आप देखेंगे गंडासा होता है, ठीक है, वो भी काफी क्या होता है, धारदार होता है, नुकीला सा होता है. इसके अलावा आप देखेगा खुरपा आपने शायद देखा हो या यूज किया हो, गांव के अंदर घास को काटने या उसको उखाड़ने के लिए खुरपे जैसी जो औजार होते हैं इनका यूज किया जाता है. चाकू तो सभी जानते होंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द वर्ड, ठीक है, पैलियोलिथिक इज द हिंदी एडिप्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, ठीक है. पैलियोलिथिक द वर्ड इज, ठीक है,
ये जो वर्ड आपका लिया गया है ये ग्रीक भाषा का वर्ड था, ठीक है। जो पैलियोलिथिक शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पोलियो, पोलियो मीनिंग का क्या मतलब होता है, पोलियो मीनिंग इज ओल्ड, है ना। एंड द लिथिक, लिथिक मीनिंग मैड ऑफ स्टोन। तो देखिए दो शब्द बने, एक ओल्ड और एक दूसरा स्टोन, तो क्या हो गया, ओल्ड स्टोन यानी पुराना पत्थर हो गया, ठीक है। और इसीलिए इसी काल में मनुष्य ने, क्योंकि पत्थरों के औजार बनाए, इसीलिए इसको पैथियोलिथिक इसको युग कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने टूल्स बनाए थे, ठीक है, जैसे गंडासा, खुरपा, ठीक है, और आपका ये था अदर टूल्स वर ऑल्सो मैड, ठीक है, लाइक गंडासा, खुरपा, ठीक है। इस तरीके के औजार उन्होंने बनाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सेशन को लाइक कर दें भाई ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लाइक भी कर दें, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी लाइव सेशन जो है उसको शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर खड़े होकर आपके लिए ये नहीं कि आए और खड़े हुए और आपको बताना या पढ़ाना शुरू कर दिया, इससे पहले जो एक प्री, जो एक तैयारी होती है वो बहुत की जाती है आपके लिए, सारी चीजें जांच पड़ताल करनी पड़ती है, उसके बाद में आपके लिए बहुत एक सेलेक्टेड मटेरियल हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए यूजफुल होता है। तो इतना तो कम से कम बनता ही है कि आप लाइक तो जरूर कर दें, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये शब्द बहुत बार आता है, ये शब्द बहुत बार सुना भी जाता है, ये बहुत शब्द कई बार किताबों में पढ़ा भी जाता है, ठीक है, और 12th क्लास के अंदर तो इससे क्वेश्चन आप देख लेना, जरूर बन जाएगा आपका क्वेश्चन, हर बार हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता है। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है, ये केवल भारत की नहीं विश्व के अंदर जितनी भी सभ्यताएं रही, चाहे वो चीनी सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे यूनानी सभ्यता हो, चाहे ग्रीस की सभ्यता हो, यानी ये जो जितनी भी सारी सभ्यताएं हैं उन सारी सभ्यताओं में आप देखोगे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व तक है। अब लगाइए आप इतनी पुरानी सभ्यता होगी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि थ्रू लाइट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इस सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में स्थान प्रदान किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितनी भी प्राचीन से प्राचीन सभ्यता है उन सभ्यताओं में ये हमारी हड़प्पा सभ्यता भी शामिल है, ठीक है। बिकॉज द सिविलाइजेशन हैज गिवन इंडियन सिविलाइजेशन इज अ प्लेस इन द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं 3000 ईसा पूर्व की स्वीकार की गई हैं। दुनिया में जो भी सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं बताई गई हैं वो 3000 ईसा पूर्व तक बताई गई हैं, ठीक है। किंतु सिंधु घाटी की सभ्यता भी उन्हीं में से एक स्थान रखती है, ठीक है। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द 300 BC, बट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए हम इसको दो नामों से जानते हैं, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहेंगे, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो होल्ड्स अ प्लेस अमंग देम, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं उनमें से इसका भी एक स्थान है, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ड्यू टू दिस इंडिया वॉज ऑल्सो, ठीक है, कंसिडर्ड एज द कंट्री ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, यानी कि इसमें भारत की भी एक प्राचीनतम सभ्यता का देश माना जाता है। यह भी साबित हो चुका है, यह भी सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके बाद की जो वैदिक सभ्यता के मध्य के समय की कोई दूसरी नहीं है, यानी कि सीधा सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो इतिहास आता है वो हमारा वैदिक सभ्यता का काल कहलाता है। अपितु 3000 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई भारतीय सभ्यता का जो प्रवाह अविरल गति से बहता रहा है, यानी कि जब से हमारी हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई है तब से लेकर और जो भारतीय इतिहास और आगे बढ़ा है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता ही रहा है। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने इसके समय को ऋग्वेदिक सभ्यता के साथ सम्मिलित किया है,
ठीक है, एक व्यक्ति है, एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर आर के मुखर्जी। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के काल को ऋग्वैदिक सभ्यता के साथ में अटैच किया है। उन्होंने कहा इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं था और ये दोनों बैक टू बैक आपस में जुड़ी हुई है, मिली हुई है। तो ये सारी चीजें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मोहन जोदड़ो की विशाल स्नानागार की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, मोहन जोदड़ो की विशाल स्नानागार की विशेषताओं को बताइए। 1 मिनट। मोहन जोदड़ो की विशाल स्नानागार की विशेषताओं को बताइए। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना हमारी, हड़प्पा सभ्यता में ये कोई एक छोटी सभ्यता नहीं थी, ये एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी और इसके बहुत सारे स्थान थे, बहुत सारे इसके ऐसे प्लेस थे जहां पर ये सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक स्थान कौन सा है, उन्हीं में से एक ज्ञात स्थान है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के अंदर ये कहां पर पाया जाता है, ये अब वर्तमान में इंडिया में नहीं है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, तो आप देखोगे कि जो मोहनजोदड़ो है हमारा वो भी, ठीक है, और साथ साथ मोहनजोदड़ो के अलावा जो हड़प्पा स्थान है वो भी, ये दोनों ही जो स्थान है मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी, ये पार्टीशन में कहां पर चले गए, ये पाकिस्तान में चले गए। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भी कहां पर है, ये पाकिस्तान में भी एक स्टेट है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत, सिंध स्टेट है वहां का, जिसके अंदर आप देखोगे कि मोहनजोदड़ो है। और वहां पर क्या पाया गया, वहां पर एक विशाल स्नानागार पाया गया। स्नानागार किसको बोलते हैं, एक बिग बाथ, ठीक है, बिग बाथ यानी कि एक बड़ा सा, एक आप देखते हैं कभी आप गए हो किसी वाटर पार्क में, स्विमिंग पूल में, है ना, इस टाइप का, उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्नानागार कहा जा रहा है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है बेटा कि उसकी क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार विशेष महत्व रखता था, यानी कि सार्वजनिक का मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर स्नान करते थे। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के अंदर जितने भी घर मिले हैं सब नक्शे से बने मिले हैं, और हर घर के अंदर एक स्नानागार मिला है, लोगों का पर्सनली मिला है, उनका जो एक बाथरूम मिला है वहां। लेकिन उसके बावजूद भी मोहनजोदड़ो के अंदर एक विशाल स्नानागार भी मिला है, ये सब लोगों का कॉमन हो सकता था, ये सार्वजनिक था, ये सब लोगों के लिए एक था, जहां पर किसी खास मौके पर इकट्ठा होकर लोग स्नान करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता की काल कला का अद्वितीय नमूना है। ये उनका क्या है, ये उनका एक कला तो है, ये उनकी एक कला है, ये उनकी एक आर्ट है। क्या देखिए, इतने प्राचीन समय में भी इस तरीके का उन्होंने एक क्या बनाया, एक स्नानागार बनाया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि स्नानागार धार्मिक अवसरों पर आम जनता के स्नान के प्रयोग में बनाया गया था। कोई, मैंने कहा ना अभी, आम तौर पर तो सबके घरों में अपने अपने स्नानघर थे, तो फिर यहाँ लोग इकट्ठे होकर क्यों स्नान करते थे। यहाँ पर लोग इसलिए इकट्ठे होकर स्नान करते थे कि जब कोई धार्मिक कोई त्योहार ऐसा आता होगा, कोई उत्सव आता होगा, कोई ऐसा मौका आता होगा, तो लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर क्या करते होंगे, एक जगह पर इकट्ठे होकर लोग वहां पर एक साथ नहाते होंगे। इस स्नानागार का बाहरी घेरा आप देखिए 180, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे किया, 180 फीट, इतना आप देखिए, 180 गुणा 180, इतना इसको क्या है, इसका बाहरी घेरा, यानी इतने फीट में ये फैला हुआ था। इस स्नानागार की आंतरिक लंबाई, यानी कि आंतरिक अंदरूनी जो इसकी लंबाई थी वो 39 यानी कि 39 फीट, ठीक है, चौड़ाई और गहराई 8 फीट थी। देखिए, चौड़ाई और गहराई तो 8 फीट बता रहे हैं, जबकि लंबाई बता रहे हैं इसकी 39 फीट की, ठीक है। इस स्नानागार के पास एक कुआं भी मिला है, स्नानागार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। जैसे आपने देखा स्विमिंग पूल में जाते हैं तो सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाते हैं, कई बार घाट पे भी गए होंगे आप, गंगा के या यमुना के घाट पर आप देखते हो वहां सीढ़ियां सी बनाई होती हैं, वहां नीचे जितना नीचे जाओगे सीढ़ियों पर उतर कर इतना गहरा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जल निकासी की भी पूर्ण व्यवस्था थी, यानी कि उस जो बड़ा वो स्नान करता उसमें पानी कैसे भरा जाएगा और वो पानी फिर बाहर कैसे निकाला जाएगा, वो सारा सिस्टम उसमें बना हुआ था। तो आप देखिए, आज से बहुत बहुत हजारों साल पहले लोगों के पास इतना अच्छा ब्रेन था कि उन्होंने इस तरीके के बड़े स्नान घर को बनाया था, ठीक है। द पब्लिक बाथ बिल्ड इन द मोहनजोदड़ो हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस, इसका एक बहुत विशेष महत्व है। दिस इज अ यूनिक
ठीक है, स्पाइसमैन ऑफ द आर्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इट इज स्पेकुलेटेड दैट दिस बाथ हाउस वॉज बिल्ड फॉर द हाउस ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर द बाथिंग। देखिए क्या लिखा है, जनरल पब्लिक, आम लोगों के लिए था, क्या करने के लिए, नहाने के लिए। और यहां पर लोग जो होते थे किसी रिलीजियस ओकेशन, कोई धार्मिक ऐसा त्योहार या कुछ आता होगा जब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर क्या करते थे, जब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर नहाते थे। स्टेयर्स बने हुए थे नीचे जाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वहां पर ड्रेनेज सिस्टम भी था, यानी कि पानी बाहर कैसे निकलेगा इसका भी पूरा सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों के भौगोलिक स्थान के बारे में बताइए। प्रारंभिक वैदिक काल, देखिए जिस काल में वेद लिखे गए उस काल को क्या कहा गया, उस काल को कहा गया वैदिक काल। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। टोटल वेद कितने हैं, देखिए हिंदू धर्म के अंदर बताया गया है कि चार वेद है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, सामवेद, ये चार वेद हैं। और जिस काल में ये वेद रचे गए, जिस काल में इन वेदों की रचना की गई, उसी काल को वैदिक काल कहा जाता है। तो शुरुआत के वैदिक काल के बारे में कह रहे हैं कि शुरुआत का जो वैदिक काल था, तो उस काल के जो लोग थे उनके भौगोलिक स्थान के बारे में बताइए, वो कहां कहां पर आकर रहते थे, कहां पर वो बसे। तो यहां पर देखिए, भारत में आर्यों का आगमन, ये कहते हैं कि वेदों की रचना किसने की, आर्यों ने की। एक जाति है आर्य जाति, ठीक है, एक आर्य जाति है, और कहते हैं कि ये इंडिया की नहीं थी, ये दूसरे मुल्क से इंडिया में आई, आर्य जाति के लोग आए। और यहां पर देखिए कब आए, ये आए 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले, ठीक है। भारत में उन्होंने सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसना शुरू करा। अब आप कहोगे सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, जहां पर सिंधु नदी बहती है, जहां जहां सिंधु नदी बह रही थी वहां वहां पर ये बस गए। इस प्रदेश में बहने वाली सात नदियां हैं। सप्त का मतलब क्या होता है, सात नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं वो, इन सात नदियों के बारे में देखिए किसमें बताया गया है, ऋग्वेद में इसके बारे में बताया गया, क्योंकि सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो है, जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद जो है वो कब लिखा गया, वो लिखा गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये इसका काल है। इस काल में लिखा गया। अगर आपसे पूछे कौन सी भाषा में लिखा गया, तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। लिखा किसने था, ये लिखा था आर्यों ने, ठीक है। ये आर्य जो थे ये कब आए थे, ये 1500 ईसा पूर्व से थोड़े से पहले आए थे, और जब ये आ गए तो फिर इन्होंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, ऋग्वेद लिख दिया। और इन्होंने लिखा ऋग्वेद के अंदर कि भारत में प्रमुख कितनी नदियां थी, सात नदियां हैं, जहां पर ये आकर बसे। वो सात नदियां कौन सी हैं, सबसे पहले सिंधु, फिर सरस्वती, फिर आपकी सतलुज, लेकिन सतलुज को पहले क्या कहा जाता था, सुतुद्री, ठीक है, सुतुद्री इसको कहा जाता था। इसके अलावा विपाशा, विपाशा किसको कहते थे, व्यास। इसके अलावा परुषणी, परुषणी किसको कहते थे, रावी, ठीक है। वितस्ता किसको कहते थे, झेलम। और अस्किन किसको कहते थे, चिनाव। तो ये जिनको आज हम रावी, झेलम, चिनाव, व्यास, सरस्वती और सिंधु नदी कह रहे हैं, इन्हीं सात नदियों को इन्होंने क्या कहा, इन्हीं सात नदियों को इन्होंने कहा है सप्त सैंधव प्रदेश, जहां पर सात नदियां बहती हैं। इस काल में ऋग्वेदिक काल के लोगों ने निवास किया, ठीक है, इसी यही वो काल था जब ऋग्वेदिक काल के लोगों ने निवास किया, ठीक है। आपस में क्या किया, आपस में युद्ध लड़े, ठीक है। और क्या करते थे वो, अपने पशुओं के झुंडों को यहाँ पर क्या करते थे, चराया करते थे, बहुत सारे पशु पालते थे वो, ठीक है, और उनको चराते थे और आपस में लड़ते भी थे, लड़ाई भी करते थे। और जो जीत जाता था ना, वो हारने वाले के जितने भी क्या होते थे, पशु होते थे, बकरी है, गाय है, भैंस है, बैल है, भेड़ है, वो पशु छीन लेते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे। पशुओं को घरेलू पालतू जानवर बनाया जाता था। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, ये पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल और उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुंच गए। पहले कहां पर थे, देखिए जहां जहां ये सात नदियां बहती है पहले वहां थे, उसके बाद में कहां पर आ गए, उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुंच गए। और यहां आकर वे ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आए जो उनसे विभिन्न भाषा बोलते थे, यानी आर्य लोगों से कुछ अलग थे, और बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो यहां पर देखते हैं, आर्यन अराइव्स इन इंडिया सम टाइम बिफोर द 1500 BC इन इंडिया। He first started settled in the Sapt Sandhav region. We get the mention of the seven river following in the region. ठीक है, from the Rigveda. सात नदियों के बारे में उन्होंने बताया है, जैसे उन्होंने इंडस के बारे में,
इसके अलावा सरस्वती, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, इनके बारे में बताया है। और ये लोग आपस में जानवरों को पालते थे, लड़ाई लड़ते थे, बाद में ये लोग वहां से इन सात नदियों से कहां पर पहुंच गए, सात नदियों वाला क्षेत्र से आगे बढ़ गए, उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंच गए। वहां के लोग कुछ अलग थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले कुछ लोग थे, ठीक है। तो ये बातें बताइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10, एक मिनट, हाँ 9 हमारा हो गया है, 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों के उदय के बारे में बताइए। देखिए, भारत में पहले तो आप ये बता दो कि धर्म जो है वो है कितने। तो आप देखिए, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये कहेंगे कि धर्म तो प्रमुख चार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ धर्म है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भारत के अंदर जैसे हिंदू धर्म तो है ही, हिंदू है, ठीक है। इसके अलावा हमारे मुस्लिम है, ठीक है, सिख है, ईसाई है, ये तो प्राचीन धर्म के अंदर आ जाएंगे, ये तो एक तरीके से प्राचीन धर्म में आ जाएंगे, बस इसको छोड़कर, ठीक है। ये वाला प्राचीन धर्म नहीं माना जाता, ये तो हमारे हिंदुस्तान में गुरु नानक जी के समय से ये धर्म आया है, तो बहुत नया धर्म ही कह सकते हैं इसको, सिख धर्म बहुत पुराना धर्म नहीं है, ठीक है। ये तो ज्यादा से ज्यादा 500-600-700 साल पुराना है। बाकी आप देखो, मुस्लिम धर्म का इतिहास हजारों सालों का है, हिंदू धर्म का भी इतिहास बहुत हजारों सालों का, ईसाई धर्म का भी है। इसी के अलावा आप देखोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट धर्म है, बौद्ध और जैन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पारसी, ठीक है, यहूदी, ये भी कुछ धर्म है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो नए नए धर्म उभर कर आए उनके बारे में पूछ रहे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, नए धर्मों के बारे में बताओ, और वो कब उभर कर आए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आए, यानी कि कब, 6 BC के अंदर, ठीक है, छठी शताब्दी के अंदर। तो यहाँ देखिए, छठी शताब्दी में नवीन धर्मों का जन्म अनेक जटिल परिस्थितियों में हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे, कर्मकांड प्राचीन वैदिक धर्म काफी बड़ा सादा था, यानी यहाँ पर देखिए, जो पहले वाला जो प्राचीन वैदिक धर्म था उसमें बहुत सादगी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि धर्म के अंदर बहुत सारे कर्मकांड क्या हो गए, शामिल हो गए, जैसे कि पशुओं की बलि चढ़ाना, जैसे देवताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे उपहार भेंट करना और दूध चढ़ाना, ठीक है, बहुत सारे पैसों को खर्च करना, ये सारी चीजें थी। तो बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड आ गए, पशु बलि यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है, जिसे लोग नापसंद करते थे, लेकिन क्योंकि कहते थे कि इससे देवता खुश हो जाएंगे, पशुओं की बलि चढ़ाओ, तो फिर भी लोग करते थे, वे अपने पशुओं की। और आपको पता है, पशु लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए, पहले के जमाने में, आज के जमाने में किसको अमीर और मालदार माना जाता है, आज उसको मालदार कहते हैं, अरे भैया इसके तो 4 प्लाट हैं, अरे भैया इसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, ठीक है, संपत्ति ज्यादा है, जिसके पास में कृषि की भूमि ज्यादा है, मकान ज्यादा है, फ्लैट ज्यादा है, दुकान ज्यादा है, उसको अमीर कहते हैं। पहले समय में अमीर उसको माना जाता था जिसके पास में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ये ज्यादा हुआ करते थे, पहले उनको अमीर माना जाता था। अब देखो, जो पशु थे वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, और उन्हीं पशुओं की उनको क्या उनको कहा जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि उनकी बलि चढ़ाओ। अब बलि चढ़ाने से क्या होगा, देवता प्रसन्न होंगे, तो वो बेचारे क्या करें, अब जैसा उनको बताया जाएगा वो तो वैसे ही करेंगे। तो वो बेचारे पशुओं की बलि चढ़ाते थे, वे अपने पशुओं की जो वो किसके लिए यूज करते थे, कृषि में उन पशुओं का यूज करते थे या खेती बाड़ी में यूज करते थे, उन पशुओं को वो मारना नहीं चाहते थे, उनकी वो हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसा उनको कहा जाता ब्राह्मणों के द्वारा या पंडितों के द्वारा कहा जाता था, तुम क्या करो, तुम 4 पशुओं की बलि चढ़ा दो, देवी बड़ी खुश हो जाएंगी, तुम्हारे सारे मन्नतें पूरी हो जाएंगी। तो वो बेचारा क्या करता, वो क्या करता था, वो गला काट देता था उनका, पशुओं का। तो यहां पर देखिए, ब्राह्मण का भ्रष्ट जीवन, ब्राह्मण को भ्रष्ट बताया जा रहा है क्योंकि ये अपने फायदे के लिए ये सब करते थे। ब्राह्मण पुजारियों का जीवन पूरी तरह से चरित्रहीन हो चुका था, वो अपने मकसद के लिए, क्योंकि देखो लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने क्या करा, संस्कृत भाषा वही जानते थे, उन्होंने उसका मतलब पढ़ा और लोगों को उसका गलत अर्थ बता दिया कि इसमें यह लिखा हुआ है, देवता ऐसा चाहते हैं। अब उसमें फायदा क्या है, फायदा छुपा हुआ है ब्राह्मणों का, कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि आप जो है आप ब्राह्मणों को जो है इतनी दक्षिणा दीजिए या फिर आप उनको भोजन कराइए। तो देखिए, उन्होंने क्या करा,
उन्होंने कहा कोई व्यक्ति आया परेशान हुआ, उसने कहा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, पंडित जी या ब्राह्मण जी या पुरोहित जी जो भी है, तो उसने कह दिया कि देखो, उसने पढ़ के बता दिया संस्कृत में और उसने कहा कि इसका निवारण है। अब क्या है इसका निवारण, तुम्हें तुम्हें जो है इतने ब्राह्मणों का तो भोजन कराना पड़ेगा और भोजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो अपनी तो जेब गर्म हो गई, अब उसकी प्रॉब्लम चाहे सॉल्व हो या ना हो। तो इस तरीके से करते थे वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और धीरे धीरे ऐसे ही लोगों को ठग ठग के मालदार हो गए ये ब्राह्मण, धीरे धीरे माल बटोरने लगे, एक तरीके के खुल्ला खुल्ला डकैत से बन गई अब, और लालची हो गई, ठीक है, ये लालची हो गए, कठोर जाति प्रथा, और इसके अलावा आप देखोगे धर्मों के अंदर क्या थी, धर्म की थोड़ी सी वो बता रहे हैं जो कुछ बुरी बातें थी, जाति व्यवस्था थी, इसको मत छूना तुम, उसको मत छूना तुम, नीची जाति हो तुम, ऊंची जाति हो तुम, अपनी सूरत मत दिखाओ, इस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते, जो बहुत ही क्या था, बहुत ही अमानवीय बर्ताव था, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। वो कहते थे कि हमें जो बनाया है तो ईश्वर ने बनाया है, अब हम ऊंची जाति में पैदा हुए तो वो भी ईश्वर की इच्छा से हुए, अगर हम नीची जाति में पैदा हुए तो भी ईश्वर की इच्छा से पैदा हुए, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है। इसके अलावा भाषा बहुत जटिल थी, जाति व्यवस्था के कारण कई लोग तो क्या रह जाते थे, कई लोगों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, उनको पढ़ने लिखने की अनुमति, तो ये सारी चीजें थी समाज के अंदर, ये सब बुराइयां थी, और जब लोग इन सारी चीजों से बुरी तरह से क्या हो गए, परेशान हो गए, तो ऐसे समय में उन्होंने क्या करा, हिंदू धर्म को छोड़ा, और तभी तभी दो नए धर्म निकल कर आए। कौन से दो नए धर्म निकल कर आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते वो महावीर स्वामी माने जाते। तो लोग यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ आ गए जी, कौन कौन से धर्म के अंदर आ गए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर आ गए। क्यों, जो लोग परेशान थे वो पशुओं की बलि नहीं चढ़ाना चाहते थे, ठीक है, वो किसी पंडित को मतलब दक्षिणा नहीं देना चाहते थे, वो अपने साथ में होने वाला जाति व्यवस्था का भेदभाव नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वो कन्वर्ट हो गए। किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। आपको पता है बी आर अंबेडकर का जन्म हिंदू धर्म में हुआ, और वो भी क्या थे, वो भी दलित थे, उनके साथ भी बहुत जानवरों के जैसा उनके साथ बर्ताव किया गया, इंसान होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया गया, उनको पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं दी गई। तो उन्होंने क्या किया बाद में उन्होंने कहा हिंदू धर्म में जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा तो ऐसा धर्म मेरे लिए किस काम का, उन्होंने कहते छोड़ दो हिंदू धर्म, और क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और उन्होंने नहीं, उनके साथ में हजारों जो हिंदू लोग थे दलित, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो आप देख रहे हैं नए धर्मों की बात होगी तो किसकी बात होगी, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की बात होगी। और लोग ये नहीं है कि पैदाइश ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आए, लोग कन्वर्ट होकर बने ये बौद्ध और जैन। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में वो सारी चीजें उनके साथ नहीं हो रही थी, वो सारा कुछ उन्हें नहीं करना पड़ रहा था जो यहाँ पर उनको करना पड़ रहा था, इसीलिए परेशान होकर इधर आ गए। तो ये नए धर्म जो थे ना, ये धीरे धीरे फलने फूलने लगे, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, ठीक है, यही सारी चीजें आपको यहाँ बताई गई हैं, एक बार आप देख लें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैश्यों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संरक्षण क्यों किया। अब ये वैश्य क्या होते हैं, वैश्य ये है कि देखिए 12-11 वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। वर्ण व्यवस्था में क्या था, देखिए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में ये कहा गया, मनुस्मृति जो कि हिंदू धर्म का पहला धार्मिक विधि ग्रंथ है मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में क्या कहा गया, मनुस्मृति में ये कहा गया कि चार वर्ण होंगे समाज के अंदर। सबसे पहले जो होंगे वो, सबसे जो ऊंचा दर्जा होगा वो ब्राह्मण होगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर होंगे वैश्य, तीसरे नंबर पर होंगे शूद्र, सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय एक मिनट, सबसे पहले होंगे हमारे ब्राह्मण के बाद में होंगे हमारे क्षत्रिय सेकंड नंबर पर, फिर होगा आपका वैश्य, और चौथे नंबर पर जो होगा वो होगा शूद्र। इनको कहा गया वर्ण व्यवस्था के अंदर, इनको लिया गया वर्ण व्यवस्था, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, इसका स्थान था, ठीक है। देन उसके बाद में राजा जो बनेगा वो क्षत्रिय बनेगा। वैश्य किसको कहते थे, वैश्य काम करता था जो कौन होता था, जो व्यापारी होता था, ठीक है, और जो क्या करता था, कृषि करता था, और जो क्या करता था, पशुपालन, जो पशुओं को पालता था। तो इस तरीके के जो काम करता था, व्यापार करना, कृषि करना, पशु पालना,
वो वैश्य करता था, और इसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी समाज में, इस वाले की स्थिति। इसको तो अछूती माना जाता था, ठीक है। बाद में आज हम इसको क्या कहते हैं, आज तो हम इसको एससी कहते हैं, लेकिन पहले इसको शूद्र कहा जाता था। और ये तीनों इसके साथ में बुरा बर्ताव किया करते थे, कहते थे कि तुम तो अछूत हो, नीची जाति के हो, मंदिरों में मत जाओ और तालाबों का और कुओं का पानी मत यूज करो। तो इसमें देखिए वही ये कह रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि वैश्यों ने, जो व्यापारी वर्ग था, वैश्य वर्ग, उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण क्यों किया, ठीक है। उसने बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का संरक्षण क्यों किया, ये वाला धर्म और ये वाला धर्म, इसको ज्यादा बढ़ावा देने में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ज्यादा बढ़ावा देने में वैश्यों का ज्यादा स्थान था। वैश्य ये वाले तीसरे नंबर वाला। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए इनमें कोई दो मत नहीं, कोई दो मत का मतलब कोई दो राय नहीं है, कहते हैं ना इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वही वाली बात करें। प्रारंभिक वैदिक समाज बहुत सारी बुराइयों में घिरा हुआ था, प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न सामाजिक बुराइयों से मुक्त था, यानी इस समय में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन बाद में जो वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद वाला जो समय आया, उसमें बहुत सारी बुराइयां समाज में आने लगी, उत्पन्न होने लगी, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं प्रारंभिक वैदिक काल, उसके बाद वाले को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया समाज में बुराई आने लगी। कैसी कैसी बुराई आने लगी, जात पात की बुराई आने लगी, इसके अलावा आप देखोगे और भी बहुत सारी बुराई आने लगी। ऐसी परिस्थितियां जब समाज में नए सामाजिक धर्मों का उदय हुआ, और यही वो समय था जब ये बुराइयां भी थी समाज में, और यही वो समय था जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों, ये दोनों धर्म उभर कर आए। जब दोनों धर्म उभर कर आए, आपने देखा एक क्या थी हमारे यहाँ पर, एक थी कांग्रेस, एक थी बीजेपी, है ना, ठीक क्या है अभी भी ये दोनों पार्टी। इसने भी हिंदुस्तान में शासन किया, इसने भी कर लिया, दोनों ने कर लिया। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी आ गई जी, ठीक है जी। तो लोग इससे भी त्रस्त, इससे भी परेशान, दोनों से परेशान, लोग इन दोनों से यहाँ पर आ गए, थर्ड ऑप्शन यूज कर लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हिंदू धर्म और बहुत जो धर्म थे इनके अंदर क्या थी, बहुत सारी बुराइयां थी, और उसके बाद में क्या हुआ, ये नए धर्म उभर कर आए। कौन कौन से धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, तो लोगों ने इनका क्या किया, लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मानना था कि वास्तविक प्रसन्नता, यानी कि जो मनुष्य की जो असली खुशी है, ठीक है, वो किसी पैसे में नहीं है, किसी संपत्ति में नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं है, ठीक है, या किसी धार्मिक अनुष्ठान में या पूजा पाठ करने से नहीं है, ठीक है, अपितु दान, दान देना चाहिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा दान दो। मितवैता, मितवैता का मतलब है अच्छा बोलो लोगों से, ठीक है, मितवैता का मतलब अच्छा बोलना, मितवैता का मतलब है खर्चीला होना, यानी लोगों मतलब मितवैता माने कम से कम हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम खर्च करना चाहिए, और कैसे अगर खर्च करें भी तो क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, ज्यादा गरीब लोगों को देना चाहिए। अहिंसा की बात हुई, इसके अलावा अच्छे सामाजिक व्यवहार की बात हुई, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो। ऐसे में वैश्यों को ये पता चला, वैश्यों को अनुभव हुआ कि सामाजिक स्तर पर उन्हें बेहतर स्थान प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा, जब वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म अपना लेंगे। वो देखो हर कोई ये चाहता है भी मैं तीसरे नंबर पे हूं, वो चाहेगा भाई मुझे तो दूसरा नंबर मिल जाए, वो चाहेगा मुझे पहला नंबर मिल जाए। तो इनको ये लगा कि अगर हम हिंदू धर्म के अंदर ही रहेंगे तो तीसरे नंबर पर आएंगे, तो पहला नंबर पकड़ लो ना। और पहला नंबर हमें कहां मिल सकता है, पहला नंबर हमें मिलेगा कहां पर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बढ़ावा देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। तो याद देखिए, देयर इज अ नो डाउट, ठीक है, दैट द अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज द फ्री फ्रॉम द वूरियस सोशल इविल्स। उस समय कोई बुराई नहीं थी, बट द ग्रेजुअली मैनी इविल्स स्टार्टेड, ठीक है, अराइजिंग इन इट। लेकिन उसके बाद वाले समय में आप देखोगे कि बहुत सारी बुराइयां जो थी वो आनी शुरू हो गई। बाय द टाइम इज कम टू द पास्ट वैदिक एज, जो वैदिक एज में बहुत सारी बुराइयां आ गई, जाति व्यवस्था, ये सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने निकल कर आई, इसकी वजह से इन्होंने इसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मगध के उत्थान में भौगोलिक तत्वों ने कैसे भूमिका निभाई। मगध, मगध क्या है, नहीं वहीं तक ही मैंने पाया, वो वाला तो हो गया क्वेश्चन पूरा, विश्वजीत